हेलो एवरीवन, मैं हूँ नेहा और आपका स्वागत है मेरी किचन पे। आज मैं बनाने वाली हूँ मसाला कॉर्न। इसके लिए यहाँ पे मैंने एक कटोरी कॉर्न लिया है। आप देख सकते हैं, ऐसे मैंने जो भुट्टे होते हैं उसके जो दाने हैं वो छील लिए हैं, ऐसे निकाल लिया एक कटोरी। मैंने यहाँ पे 1/4 टीस्पून जो है हमारी नमक लिया है। आप स्वाद अनुसार में नमक डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, थोड़े से नींबू के रस, मैंने ऐसे नींबू को ऐसे काट लिया है। 1/4 टीस्पून चाट मसाला। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मैं हमारे जो यहाँ पे कॉर्न के दाने हैं उसे मैं कुकर पे उबाल लूँगी। ये देखिए, हमारे जो कॉर्न के दाने हैं उसे मैंने कुकर पे डाल लिया। अब मैं इसमें 1 गिलास पानी डाल दूंगी और इसे 2 सीटी आने तक गैस पे उबाल लूँगी। यहाँ पे मैं कुकर का जो ढक्कन है वो बंद कर दूंगी। यहाँ मैं कुकर का जो ढक्कन है लगा के इसे मीडियम फ्लेम पे 2 सीटी आने तक उबाल लूंगी। गैस मीडियम कर दें और 2 सीटी आने तक उबाल उबाल लेंगे इसे हम। ये देखिए, यहाँ पे हमारी जो पहली सीटी है वो आने वाली है। ये रही पहली सीटी, ये दूसरी। अब मैं यहाँ पे गैस का जो बंद कर दूंगी, बंद कर दिया, ऐसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमारा जो कुकर है वो ठंडा हो गया। मैं ढक्कन खोल लूँगी। ये देखिए, हमारा जो कॉर्न है अच्छी तरह से उबल चुका है। अब मैं इसे स्टेनर पे छान लूँगी। ये देखिए, मैंने गैस पे एक पैन को बैठा दिया है। यहाँ पे हमारी जो पैन है वो गर्म हो चुकी है। अब मैं इसमें आधा चम्मच ऑयल ऐड करूँगी। देखिए, आधा चम्मच ऑयल डाल दिया। गैस का फ्लेम मीडियम करें और तेल को गर्म कर लूँगी। देखिए, यहाँ पे हमारी जो तेल है वो गर्म हो चुकी। अब मैं इसमें कॉर्न डालूंगी। गैस का फ्लेम लो कर दें और हमने जो कॉर्न छान के रखा था उसे डाल देंगे। तो हमें हल्का ऑयल से फ्राई करने लगा है। गैस का फ्लेम मीडियम कर दें, मीडियम ऑयल से हल्का सा फ्राई कर लें। जब हम मॉल वगैरह जाते हैं तो हमारा जो कॉर्न का मसाला मिलता है वो कितना महंगा रहता है आप लिए होंगे, और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप घर पे देखिए कितनी आसानी से इसे तुरंत बना सकते हैं। तो बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने पे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। नमक डाल दें, देखिए यहाँ पर बनके तैयार है। अब मैं गैस का जो फ्लेम है वो ऑफ कर दूंगी और इसे एक बाउल पे निकाल दूंगी। ये देखिए, हमारा जो कॉर्न है मैंने उसे एक बाउल पे निकाल लिया। अब मैं इसमें चाट मसाला डालूंगी, नींबू का रस और ये लाल मिर्च का पाउडर। अब लाल मिर्च अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तीखा तो आप ज़्यादा डालें और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें। देखिए, हमारा जो गर्मा गर्म कॉर्न का मसाला है यहाँ के वे बन के तैयार है। अच्छे से मिक्स कर ले चाट मसाला और रेड चिल्ली पाउडर को। अब मैं इसे एक कटोरी पे निकाल लूँगी। ऐसे करके आप इसे एक कटोरी पे निकाल लें। ये देखिए, हमारा जो कॉर्न का मसाला है यहाँ पे बनके तैयार है, चटपटा। इसे आप घर पर ज़रूर बनाइए। ये कितना आसान है बनाने के लिए, घर पे आप इसे आराम से बना सकते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।